से कम मिनिमम 5 से 6 बार करके चलो, ठीक है सर। उसको इतनी बार लिखो शॉर्ट हैंड में और इतनी बार रीड करो कि आपको ये मेरे ख्याल से 30-40 वर्ड के पैराग्राफ्स तो हैं ही कि याद हो जाए। मैं बोलूँ हैव दे पेड़ तो आगे आपके दिमाग में आना चाहिए कि डेप्ट आएगा आगे, इतना याद होना चाहिए। जब ठीक हो है जाने सर। लगे ना कि आपको मेरे को हाँ लगभग ही याद होना लगे है, मतलब पोएम की तरह एक स्टोरी की तरह, तब आप उसको छोड़े। अगर इतनी बार करेंगे तो अपने आप स्ट्रोक्स बनाने सीख जाएंगे। अल्टीमेटली हमें रटना ही है इसमें, प्रैक्टिस कर करके हर स्ट्रोक को रटना ही है, क्योंकि जब 100 वर्ड पर मिनट पे लिखेंगे ना तो हमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि कैसे बनता है ये, वो रटा हुआ काम आएगा कि हमने कितना रटा है, कितने वर्ड्स हमें याद हैं, कितने स्ट्रोक्स हमें याद हैं, क्योंकि 1 सेकेंड से कम टाइम मिलता है हमें उसको सोच के बनाने का, 20 मिली सेकेंड्स, 30 मिली सेकेंड्स, इतना टाइम। तो सोचना तो मेरे ख्याल से भूल ही जाओ कि वहां पे हम सोच पाएंगे कि कैसे बनेगा, कौन सा वो वर्ड लगेगा, है ना। उस टाइम पे तो अगर किया हुआ है पहले वो वर्ड तो बन जाएगा, नहीं किया तो नहीं बनेगा, सीधा सीधा ये लॉजिक है। ठीक है, तो अभी चलो रीड करो इसको, एक्सरसाइज को। Have they paid the debt? Full stop. क्वेश्चन मार्क They आएगा। देखिए इस चीज का आप लोग ध्यान रखा कीजिए कि सेंटेंस किस टाइप का है। इसमें स्टार्टिंग ही हैव से हो रही है, दे पूछ रहे हो, तो इसके एंड में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क think आएगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप करें, एक बार सेंटेंस को देख लीजिए करिएगा। अगर क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है, कुछ पूछा जा रहा है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आएगा। चलिए आगे रीड कीजिए। They think the debt was paid. Full हाँ, stop. Do they say so?